आज हम आपको एक ऐसे अजीबोगरीब मनचले युवक से मिलवाने जा रहे हैं जो यूपी के बिजनौर के पठानपुर इलाके का रहने वाला है, जिसका नाम है सुहेल, जो पिछले कई दिनों से बुर्का पहनकर स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाने वाली महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़खानी कर रहा था। वहीं छेड़खानी की शिकार हुई युवती और महिलाएं शर्म के मारे युवक को लड़की समझकर अपनी जुबान खोलने में भी हिचक रही थी, लेकिन दोपहर के समय मनचले युवक द्वारा छेड़खानी होने पर बस का इंतजार कर रही महिलाओं को शक हुआ, जिसके बाद छेड़खानी की शिकार हुई महिलाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, मौके पर मौजूद राहगीरों ने मनचले की पिटाई करनी भी शुरू कर दी और हिजाब की आड़ में छेड़खानी कर रहे सुहेल का चेहरा बेनकाब हो गया और वहां पर मौजूद राहगीर हक्के बक्के भी रह गए। राहगीरों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े जाने के बाद सुहेल काफी देर तक बुर्का पहने पुलिस को गुमराह करता रहा कि मुझे कई दिन से लड़के छेड़ रहे हैं। लड़की की आवाज निकाल रहे सुहेल को शक की बिना पर जब चेहरे से नकाब उतारा तो मनचला युवक सुहेल निकला। पुलिस के अधिकारियों ने पकड़े गए मनचले युवक के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना नजीबाबाद के पठानपुरा मोहल्ले का सुहेल नाम का एक लड़का, जो लड़कियों का ड्रेस पहन करके बुर्का नकाब पहन करके ज्ञात हुआ कि दो तीन दिनों से छेड़छाड़ करता है। आज बस में भी बुर्के में ही छेड़छाड़ कर रहा था, लोगों ने इतराज किया, फिर देखा तो ये लड़का है, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनहित के लिए यूपी के बिजनौर से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।